गजानन महाराज को प्रणाम करते हुए, ये संतों की भूमि को प्रणाम करते हुए, मंच में उपस्थित आदरणीय राहुल जी, नाना भाव जी, थोराड़ साहब, वासनिक जी, तुषार जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान जी, सभी प्रथम पंक्ति के हमारे नेतागण, एनसीपी के नेतागण, मुझे छत्तीसगढ़ से मैं आया हूं और आप सबको संबोधित करने का आदेश मुझे हुआ है। मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय साथियों, महाराष्ट्र ने अनेक संत, अनेक महात्मा, अनेक विचारक, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दिए। देश को दिशा देने में महाराष्ट्र के हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन में अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन कुर्बान किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान तिलक ने जो कांग्रेस का नेतृत्व किया था, उन्होंने एक बात कही थी, इस देश में तीन कोण हैं, पहला अंग्रेजों का, दूसरा हिंदुओं का, तीसरा मुसलमानों का, और जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे उस दिन ये अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाएंगे। महात्मा गांधी, उनके उत्तराधिकारी नेहरू जी, पटेल जी, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सारे नेता जो तिलक जी के सूत्र वाक्य है उसको लेके चले, और इन नेताओं ने सामाजिक समरसता बनाते हुए सबको जोड़ने का काम किया, और जिस दिन सारे हिंदुस्तानी एक हुए अंग्रेज भाग खड़े हुए। लेकिन वो समय था, दो कोण तो करना चाहते थे, एक तरफ तिलक का आदेश हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, दूसरे तरफ लगे थे अंग्रेज और हिंदुओं को एक करने का। आदरणीय साथियों, देश को आजादी मिली तब नेहरू जी ने कहा था, जो बात आजादी के लड़ाई के लिए सही है वो देश के विकास के लिए भी वही बातें सही होगी। और उन्हें पूरे जीवन इस देश के एकता और अखंडता के लिए बिताया, और इस देश के एकता और अखंडता के लिए जहां महात्मा गांधी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, आज वही ताकतें दो ध्रुव आज भी हैं। एक तरफ तोड़ने की बात हो रही है और देश को लूटकर अपने उद्योगपति साथियों को, हिंदुस्तान की संपत्ति को देने की कोशिश की जा रही है, और वहीं दूसरी ताकत है जो राहुल जी के नेतृत्व में बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ते हुए, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते हुए भारत जोड़ो के यात्रा में आज 72वें दिन से गांव में पहुंचे हैं। और राहुल जी के नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है, जो बात आजादी के समय सही थी वो आज भी सही है। देश में बेरोजगारी भगाना है, देश में महंगाई भगाना है, तो हम सबको राहुल जी के साथ जुड़ना है। और आज देश, पूरा देश राहुल जी के साथ जुड़ते जा रहा है और विरोधी लोग ताकते रह जा रहे हैं। मैं बहुत आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, इस वीर भूमि को प्रणाम करते हुए, संतों को भूमि प्रणाम करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद।